बाद क्या होगा? फिर डिस्पोजिशन होगा, डिस्पोजिशन होगा। डिस्पोजिशन जनरेशन किसका है? जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? फैक्टर पेमेंट का। और डिस्पोजिशन किसका होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो फेजेस हैं वो है। कौन कौन से फेजेस हैं हमारे पास? जनरेशन, जनरेशन में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विद द हेल्प ऑफ हाउसहोल्ड। नाउ द जनरेटर, द फर्म्स विल पे द फैक्टर पेमेंट फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी जो सर्विसेज दी उसके बदले फर्म उनको क्या देगा? पैसा देगा, पेमेंट करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा, लाइक वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, है ना। देन दैट मनी विल बी यूज इन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड टू द फर्म। जो कुछ भी यहाँ प्रोड्यूस करके इसने रखा है, इनके पास पैसा आ गया, हम इस पैसे को क्या करेंगे? वो खर्च करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, और एक्सपेंडिचर जब वो करेंगे तो वो पैसा वापस से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्री फेजेस है हमारे पास। थ्री फेजेस कौन कौन सी है? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। क्लियर है ना? ओके, नाउ कम टू द स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। इसको अच्छे से समझना। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो? स्टॉक और फ्लो, क्या अंतर है स्टॉक और फ्लो में? पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक मींस नहीं, देखिए दो इसको हम डिसाइड करेंगे, स्टॉक और फ्लो। तो इसमें एक बेसिक कांसेप्ट आपको लेना है, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम और ठीक है ना। स्टॉक मींस पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज मेजर्ड एट पीरियड ऑफ टाइम। अगर पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर हम